थोड़ा सबर रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। विदाउट एनी कंसल्टेशन आप डायरेक्शन देंगे ये मुझे? नो, ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। मान्य सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले, कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। अभिषेक जी एक मिनट। तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना फिले भी। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। You have the audacity to ask me now? Okay. Bengal should correct its course. One second. Please allow me to say. Please. दोनों ही सदनों का आज किस्सा जब खोला जाएगा तो मिलेगा खूब हंगामा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की वो बात जो अध्यक्ष ओम बिरला को जरूर चुभी होगी। कुछ नश्वर सा लगा होगा महुआ मोइत्रा को भी जब ममता बनर्जी का नाम लिया गया था। उनके तेवरों पर लोकसभा अध्यक्ष का गुस्सा फूटा है। पीठासीन दिलीप सैकिया के सामने अभिषेक के बीजेपी सांसद पर निजी टिप्पणी की तो संसद में हंगामा इतना हुआ कि ओम बिरला को वापस आसन पर लौटना पड़ा। संसद में टेलीप्रॉम्प्टर पर हल्ला क्यों मचा, इन तमाम कहानियों को बारी बारी से खोलेंगे, बताएंगे ये भी कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को माता जी क्यों कहा। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं संसद में आज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया लेकिन सदन में सदस्य ये कहते हुए हंगामा कर रहे थे कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। संसद में सदस्यों की ऊंची आवाज को नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने दखल दिया उसमें, और उसमें क्या कहा सुनिए। माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, प्रश्नकाल के अंदर किसी भी विषय को किधर भी ना, इधर ना उधर विषय को नहीं बोलने देगा। प्रश्नकाल मतलब प्रश्नकाल। आप अगर व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं, सदन चलाना चाहते हैं, तो सदन इस व्यवस्था से चलेगा। प्रश्नकाल में किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इस समझाइश का हंगामा कर रहे सदस्यों पर असर नहीं दिखा, नारेबाजी चलती रही। 11:05 पर ओम बिरला ने फिर नाराजगी भरे लहजे में सदस्यों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के वक्त प्रश्नकाल ही चलेगा, यानी प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। 12:12 सदन में प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा हुई। इसके बाद सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। 12:06 पर सदन में शून्यकाल की घोषणा हुई। फिर घड़ी में आता है समय 12:14 का। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय अपना विषय रखने के लिए उठते हैं। उन्होंने सदन में कहा कि अधिकारी सुनते नहीं, आरोप लगाया कि दलित और मुस्लिमों के घरों को चिन्हित किया गया है, और क्या आरोप लगाए और क्या मदद मांगी सुनिए। मैडम, हमारे यहाँ चिन्हित करके, और मैं पीड़ा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है। एक बात से पक्ष हो या विपक्ष सहमत होंगे कि मैंने पत्र भी लिखा जिलाधिकारी को कि जिन जिला स्तरीय मीटिंग में सांसद की उपस्थिति अपेक्षित हो, सदन के कार्रवाई के दौरान ऐसी मीटिंग न रखा जाए। अधिकारी सुनते नहीं है, ऐसी मीटिंग ये होती है कि जब जनता पर जुल्म हो या कोई परेशानी हो तो उन मीटिंग में रखा जाए। हमारे यहाँ दलित और मुसलमान लोगों के घरों को चिन्हित करके 400 मीटर में लगातार बुलडोजर का काम हो रहा है, हाई कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है। लिखित हम लोग पीड़ा ये है कि हम 3-3 सांसद और 5-5 विधायक और पदाधिकारियों के साथ हम गए डेलीगेशन लेकर, कोई अधिकारी घटनास्थल पर आया नहीं, एक सिपाही तक नहीं आया। मैं पिछली बार जब आया उसके पहले मीटिंग रख दिया गया। इस बार आया हूँ, मैं रिटर्न में देकर आया और मुझे फ़ोन आता है। मैंने कहा कि महीने की जो मीटिंग है जरूरी तो नहीं 22 तारीख से हो जाएगी। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, हमारा माननीय सदस्य जी मांग रखिए, जो मांग रखना चाहते हैं वो रखिए। बात कर लूँ ना, बात कर लूँ, मैं मांग रख देता हूँ। मांग एक ही है,
हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, गांव के गांव मधुबन इलाके में डूब रहे हैं, कटान है, हमारे यहाँ ये बुलडोजर चल रहे हैं। सांसदों से जनता अपेक्षा करती है कि उनकी बात कही जाएगी, प्रशासन नहीं सुनता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम पीठ से और संसदीय कार्य मंत्री से जिला के अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाए, जो पहले से है कि बार बार अगर बैठकों से आप जान बूझ कर सांसद को, चूंकि विपक्ष का कार्रवाई बंद। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से बीजेपी सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने शून्यकाल के दौरान बताया कि अब तक स्वास्थ्य की सुविधाएं उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें गुजरात जाना पड़ता है। जब सदन में बीजेपी की सांसद ये कह रही थी तो 20 साल की मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में थी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं रतलाम संसदीय सीट से पहली बार जीत कर आई हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आदिवासी जिले से आती हूँ, वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। छोटे छोटे स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात जाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अलीराजपुर झाबुआ ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि आदिवासी जिले को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। धन्यवाद। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ की वजह से गांवों को होते कटाव की जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि अगर हाई डैम बन जाता तो कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को राहत मिल जाती। नेपाल में काफी बारिश होने के कारण कोसी सीमांचल की सारी नदियाँ काफी ज्यादा उफान पे है, लगातार कटाव जारी है, चाहे वो नवहट्टा हो, चाहे पूर्णिया जिले का अमोर हो, बायसी हो, कटिहार के महानंदा से लेकर के कोसी और गंगा, इधर कुरसेला बरारी, लगातार कटाव। और कटाव जो प्रशासनिक लापरवाही है ये अत्यधिक है, जिसके चलते कई गांव विलीन हो गए हैं, नवहट्टा के कई गांव विलीन हो गए हैं। मैं लगातार संपर्क में होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह है कि एक डिमांड लगातार जो उठ रहा है, सबसे ज़्यादा गाद को निकालने की, गाद के साथ गाद को निकालने के साथ जो सबसे ज़्यादा दबाव है कोसी बैरेज पर, वो हाईडैम यदि बन जाता है तो सभापति मोदी, हाईडैम का निर्माण आवश्यक है उस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाईडैम बनाने की निर्माण की योजना शीघ्र लागू करे। दोपहर 1:39 पर सदन में बजट को लेकर चर्चा शुरू हुई। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बजट में कॉपी किया गया है। अब मैं इस बजट को क्या बोलूं, कुर्सी बचाओ बजट बोले, विकसित बजट नहीं लेकिन विचलित बजट बोले, या फिर एक और जुमला बजट बोले, क्योंकि फिर बार बार हमें जुमले नजर आते हैं इसमें। आपने चार लोगों की बात की, लेकिन ये चार कौन लोग हैं? गरीब, महिलाएं, युवा, हमारा अन्नदाता किसान, लेकिन इनकी गिनती कैसे हो? क्या मालूम पड़े कौन क्या है? क्या मालूम पड़े कि ये योजनाएं किसके लिए बनाएं? क्या मालूम पड़े कि टारगेट ग्रुप कौन है? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, अगर आप सेंसस को सार्वजनिक नहीं करेंगे, राहुल जी ने, हमारे नेता ने मांग की कि सेंसस किया जाए, कास्ट सेंसस किया जाए, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे। एंड आई वंडर कि इसके बारे में इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हें तो बहुत कुछ मिला है।
इस चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। दोपहर 3:04 पर पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। 3:22 पर पीठासीन दिलीप सैकिया के सामने अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान को लेकर कॉमेंट किया था। ये हमला निजी था, इसको लेकर पीठासीन दिलीप सैकिया ने नाराजगी जताई। आसन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वापस लौटे हंगामे के बीच नाम ममता बनर्जी का भी संसद में गूंजा था। हंगामा बढ़ा, महुआ मोइत्रा तेज आवाज में सदन में बोलने लग गई। अपनी सीट छोड़कर टीएमसी के कई सांसद आगे आ गए। वेल में उधर से भी कुछ सांसद आगे आए और नोकझोंक हुई। इस पर ओम बिरला ने गुस्सा दिखाया और फिर तीखे लहजों में क्या कहा, सुनिए। सर मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, सर चेयरमैन सर ने बोला जो एक, इस सदन एक, एक की मेंबर नहीं है, एक मिनट सदस्य नहीं है, एक मिनट एक मिनट सर एक बार सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए, एक मिनट माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करे, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया सर, नो आप हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग तो बोलते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं, एक मिनट क्यों नहीं, आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज अभिषेक जी एक मिनट, एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट, मैंने सभी माननीय सदस्यों को आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे, नो प्लीज बैठिए प्लीज, माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेज मत थपाइए, जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी मैं एक चीज सर स्पष्ट करता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच, नो सर यू हैव टू इंटरवीन, सर यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, नो सर, एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, ए बड़े जंतू, हमी हाथ जंतू, हमी हाथ, बड़े, प्लीज, प्लीज प्लीज, आग्रह करता हूँ, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूँ, सर उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे, आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। किसान बिल को लेकर अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात रखनी शुरू की, इस पर ओम बिरला ने उन्हें बीच में रोक दिया। कुछ बात बताया गया लेकिन अभिषेक बनर्जी ने आहिस्ते से पूरी कहानी पलट दी, उठा लिया किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का मुद्दा। सर नाउ आई कम टू फार्म बिल्स, इन 2020 द सेम मोदी गवर्नमेंट यूनिलैटरली पास्ड 3 कंटेंशियस फार्म बिल्स विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द फार्मर्स और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑपोजिशन पार्टी। प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो, इस सदन में 5.5 चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक, हाँ बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है, सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है सर, भाई उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं नहीं, पर माने सर आपने ये सदन का याद दिलाया, एक मिनट माने सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया, एक मिनट माने सदस्य, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल, सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया, सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे,
इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए ट्रेजिकली ओवर क्या 700 फार्मर्स डाइड। 700 फार्मर्स डाइड। व्हाट डिड यू डू? यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। इन 2020 सर दिस कंटेंशियस फार्मर्स पास्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। सर दिस बिल्स स्पार्क मैसिव प्रोटेस्ट एज फार्मर्स। सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। एक चीज सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है नो, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है नो, तो ये आप चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आई एम गिविंग देम, आई एम चैलेंजिंग देम टू कम, नो चुनौती मत दीजिए सदन में, डिबेट विद मी नो, चुनौती ये बाहर चुनौती देना या चुनौती सदन में नहीं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जब सदन में नोटबंदी की बात छेड़ी तो सत्ता पक्ष की तरफ से फिर आवाज तेज हुई और इस पर ओम बिरला ने रोका और कहा ये तो 2016 की बात है। फिर अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर नाम लिया, ओम बिरला से तगड़ी बहस हो गई। उस वक्त अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप 2016 पर रोक दे रहे हैं, लेकिन जब नेहरू का नाम कोई लेता है 50 साल पहले, इमरजेंसी की कोई बात करता है, तब आप नहीं रोकते। सुनिए सर, डिमोनिटाइजेशन इन नवंबर 2016 द यूनियन गवर्नमेंट डिमोनिटाइज्ड 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज करेंसी नोट्स ऑस्टेंसिबली क्या आप नो यू डोंट नो दैट डिमोनिटाइजेशन वाज डन इन 2016 सर। दिस गवर्नमेंट डिमोनिटाइज्ड 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज नोट। सर ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके क्या नो, नो। अरे अपना नेता आप को जाके नेता क्या बारे में चर्चा मत करो, आप अपनी बात कहिए नो, आप अपनी बात कहिए। सर डिमोनिटाइजेशन वाज ब्रॉट टू कम्बैट ब्लैक मनी, इट वाज ब्रॉट टू कम्बैट करप्शन, इट वाज ब्रॉट टू कम्बैट टेररिज्म। द मूव रिजल्टेड इन अ सीवियर कैश क्रंच एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. Sadashya, T for please. Tragedy. माने सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा, जवाहरलाल नेहरू की बात लोग बोलेगा। कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान में छुपे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराना इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। बजट पर अपने संबोधन के आखिर में अभिषेक बनर्जी ने राम मंदिर का जिक्र छेड़ा, अयोध्या में हार वाली बात याद दिलाई, कहा कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। डायलॉग थोड़ा फिल्मी था, वायरल हो निकला।
सर द फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ सेवेंथ बजट द फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ सेवेंथ बजट स्पीच सर मोर एम्प्टी वर्ड्स मोर एम्प्टी प्रॉमिसेस हॉलो वर्ड्स दिस बजट हैज गॉट मोर फिक्शन देन फाइनेंस आई हैव एक्सपोज्ड द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट सर ऑन प्रॉमिसेस ऑन गवर्नेंस ऑन गारंटीज एंड ऑन टारगेट्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल बजट एंड एस्टिमेट्स एंड फिगर्स वी शुड ऑल्सो टेक अ लुक एट द ऑडिट और ट्राई टू टेक अ लुक एट एन ऑडिट सर इफ यू ऑडिट द रिजल्ट ऑफ 2019 जनरल इलेक्शंस What will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body, and the head of the BJP campaign, which cried, Ab ki bar, char so par. And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh. Shaken up in Maharashtra, their slogan was, "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge." Backfired, sir. Okay. Their slogan of, "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge." Backfired. I would rather say, "Prabhu Ram aaye, to nyay aaya." Kuch vakt zarur laga, lekin insaaf aaya. BJP not only faced a humiliating defeat. From the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. Waqt badal gaya hai. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. And it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, It is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. Yes. And I would like to end by saying, thoda sabar rakhiye aur kursi ka peeti bandh lijiye, mausam bigadne wala hai. बातें कई और भी हैं लेकिन वो आपको ललन टॉप के और वीडियोस में मिलेंगी क्योंकि जब संसद में आज रिकॉर्ड हुआ उसके बाद तक संसद चलती रही अब पूरी रात संसद चलेगी तो उतना इंतज़ार कर नहीं सकते क्योंकि आपको बाकी दिन की अपडेट भी तो देनी होती है तो आप चलते हैं राज्यसभा की तरफ वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा था उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हुई सुबह 11 बजे सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा कार्रवाई आगे बढ़ी 11:11 का वक्त हो रहा था सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने सभापति धनखड़ के सामने बजट को लेकर कई सवाल उठाए उन्होंने कहा दो राज्यों को थाली में पकौड़े जलेबी आए और बाकी राज्यों की थाली खाली रह गई मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकौड़ा और ये अपना जिलेबी ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ ना करना ना तमिलनाडु को मिला ना केरला को मिला ना कर्नाटक को मिला ना महाराष्ट्र को मिला ना ये पंजाब ना हरियाणा ना राजस्थान ना छत्तीसगढ़ ना किसी स्टेट को कुछ नहीं दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने दिन ओडिशा को कुछ नहीं दिया तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं नहीं नहीं कर्नाटक से आए हैं सर हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला
बजट से कुछ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए खड़गे अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। उधर सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वित्त मंत्री जी यही हैं। इस पर खड़गे बोले, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट हैं। ये सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंस पड़ी। इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी ये तो माता जी आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। खड़गे के सवालों और जुबानी हमलों के जवाब में अब निर्मला सीतारमण अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई, लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं था। नारेबाजी के बीच विपक्षी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दे डोंट इवन वांट सर, इट्स विपक्ष सदन से बाहर जा चुका था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और बोली कि विपक्ष और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कल पेश हुए बजट को सुनकर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए, और उन्हें और विपक्ष को कम से कम लोकतंत्र के सम्मान के लिए यहाँ जवाब सुनने के लिए रुकना चाहिए था। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने, यानी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक पॉइंट उठाया है कि बजट पेश करते वक्त कई राज्यों का नाम नहीं लिया गया और शायद सिर्फ दो राज्यों के बारे में ही बात रहेगी। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे वक्त से सत्ता में रही है, उन्होंने कई अलग अलग बजट पेश किए हैं, तो वो ये स्पष्ट तौर पर जानते होंगे कि हर बजट में आपको हर राज्य के नाम लेने का मौका नहीं मिल पाता। आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी हैज बीन इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस कंट्री। दे प्रेजेंटेड सो मेनी डिफरेंट बजट्स एंड दे वुड नो क्लियरली दैट इन एवरी बजट यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नेम एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। आई विल टेक दिस एग्जांपल। Between what on account which was presented on 1st February this year and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadhavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account. Nor was it taken yesterday, but does it mean that we've ignored Maharashtra? वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला ये विपक्ष ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे राज्यों को कुछ नहीं मिला, ये तो सिर्फ दो राज्यों को दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने सत्ता में रहने के दौरान जो भी बजट भाषण दिए, क्या उनमें देश के सभी राज्यों का जिक्र है? निर्मला सीतारमण के इन सवालों के बीच विपक्षी दलों के सदस्य सदन में वापस लौट आए। वित्त मंत्री की बातें सुनकर विपक्षी खेमे में शोर होने लगा। इस पर निर्मला ने नाराजगी जाहिर की। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को शांत कराया। वित्त मंत्री के निशाने पर अब तृणमूल कांग्रेस थी। वो बोली कि 23 जुलाई को बजट के दौरान टीएमसी वाले सवाल उठा रहे थे कि बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, अब मैं एक फैक्ट हाईलाइट करना चाहती हूं कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की तरफ से कई योजनाएं बंगाल में जो लागू करनी थी वो नहीं की गई राज्य सरकार के द्वारा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम। सुनिए। लेट मी आंसर सर द मेंबर्स फ्रॉम टीएमसी। इवन यस्टरडे द टीएमसी questioned the budget saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in West Bengal. Health insurance. And you have the
audacity to ask me now? Okay. Bengal should correct its course. Honorable member. टीएमसी के राज्यसभा सांसदों को ये बात चुभ गई, वो नाराजगी जाहिर करने लगे, लेकिन विपक्षी खेमे से हंगामा होता रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सांसदों को समझाने की कोशिश की, ये प्रयास जब कमजोर होने लगा तो खुद जगदीप धनखड़ बोले, अलाउ मी टू स्पीक, यानी मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए। हंगामा शांत हुआ तो सभापति ने शून्यकाल का ऐलान किया। सदस्यों ने अपने अपने विषयों को सदन में रखा। वहीं दोपहर 12 बजे सभापति ने प्रश्नकाल की घोषणा की। तो संसद की कार्यवाही में कुछ जरूरी हिस्सों में हमने आसान भाषण में आपके बीच रख दिया। बजट पर चर्चा जारी है, अभी और चलेगी, उसी तरीके से हंगामा भी जारी रहेगा, आरोप होगा, सफाई होगी, दी ललन टॉप, ये सब कुछ लेकर आपके सामने आता रहेगा। सारी जानकारी, सारे वीडियो, सारे शो यहीं मिलेंगे। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे साथी हिमांशु ने, शुक्रिया।